हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या है वो? टेम्परेचर इफेक्ट्स द विस्कोसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वेल द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू रीजन दैट द विस्कस फोर्सेस इन ए फ्लूइड आर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, इन लिक्विड्स द कोहेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेट्स द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स एंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर the cohesive forces decreases with the result of increasing viscosity. But in case of gases, the cohesive force are small and molecular momentum transfer predominates. ठीक है, with the increasing temperature, molecular momentum transfer increases and hence viscosity increases. The relation between viscosity एंड टेम्परेचर फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस आर फॉर लिक्विड्स लिक्विड के लिए म्यू इक्वल टू म्यू जीरो वन बाई वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर। ठीक है, और म्यू इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉयसी। म्यू जीरो इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉयसी। अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट फॉर द लिक्विड। ठीक है, फॉर वाटर के लिए म्यू इक्वल टू 1.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पॉयसी। अल्फा इक्वल टू 0.03368 एंड बीटा इक्वल टू 0.000221। ठीक है, इन इक्वेशन विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी डिक्रीजेस। फॉर गैसेस, गैसेस के लिए म्यू इक्वल टू म्यू जीरो प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वेयर। वेयर फॉर एयर, एयर के लिए म्यू इक्वल टू 0.4 × 0.17। अल्फा इक्वल टू 0.7 × 0.56। बीटा इक्वल टू 0.1189 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, हम आज क्या डिस्कशन किए? वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। हम आज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।